नमस्कार, स्वागत है आपका जन संदेश टाइम्स में। मैं हूं किरण। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के करेली थाना क्षेत्र के अबू बकर मस्जिद में आज दोपहर बिल्डर राशिद फरीदी नाम के शख्स ने मस्जिद के पेश इमाम पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए पिस्तौल तान दी और जान से मारने की धमकी भी दी। इस मामले में मस्जिद के इमाम ने पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। दोषी पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की पुलिस ने बात कही है। प्रयागराज के करेली थाना क्षेत्र के अबू बकर मस्जिद के इमाम के ऊपर आज एक व्यक्ति ने बंदूक तान दी। मामला अबू बकर मस्जिद से सटे हुए मस्जिद के भूभाग का है, जिसमें कुछ किराएदार रहा करते हैं। 22 अक्टूबर को कुछ लोग उस भाग का वीडियो बना रहे थे। इमाम के पूछे जाने पर उन लोगों ने बताया कि ये जगह बिकने वाली है। बाद में इमाम ने ये बताया कि ये मस्जिद का भाग है और इसका कोई भी भाग बिक्री के लिए नहीं है। उसके बाद से इमाम के मोबाइल पर एक कॉल आया, साथ ही उसे धमकियां भी दी गई। 25 अक्टूबर को दोपहर में सब नमाज पढ़कर जा चुके थे और मस्जिद के इमाम नमाज पढ़ाकर अपने कमरे में थे। तभी कार सवार एक व्यक्ति आया और उसने इमाम को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए उसके ऊपर पिस्टल तान दी, जिस पर मस्जिद में मौजूद कुछ लोगों से उसकी हाथापाई भी हुई। पिछले कई सालों से मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे इमाम फकरूल हसन कासमी ने बताया कि मस्जिद अबू बकर में दोपहर में राशिद फरीदी नाम का एक शख्स आया और गाली गलौज करने लगा। उसने वहां रखी कुर्सी और सामान भी तोड़ दिए, असलहा निकाल कर उसे जान से मारने की धमकी दी। मस्जिद के पेश इमाम ने बताया कि तत्काल करेली पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर मस्जिद के अंदर पहुंची पुलिस और सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला गया। राशिद फरीदी भागता हुआ दिखाई दिया है उसमें। वहीं इस घटना की जानकारी जब स्थानीय लोगों को हुई तो शाम को 5 बजे नमाज के बाद काफी ज्यादा भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने लोगों को आश्वासन दिया और समझा बुझा कर भीड़ हटवाई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल कर रही है। आज क्या घटना हुई थी? आज घटना ये हुई कि मैं दोपहर की नमाज पढ़ा कर अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। राशिद फरीदी नाम का एक आदमी है, हम उनको जानते नहीं थे पहले। अभी 2-3 दिन पहले मुलाकात हुई और आज ये हादसा मेरे साथ हुआ। आए मेरे ऑफिस में गाली देते हुए और जो है कुर्सी भी तोड़ दिया, गाली पकड़ दिया, जान से मारने की धमकी दिया, रिवॉल्वर निकाल के जो है गोली चलाई और जो जिससे मेरी जान तो बच गई अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कहा है कि आइंदा, इस बार तो बच गए हो लेकिन आइंदा नहीं बचोगे, तुमको जो है जान से मारेंगे, तुम बहुत ज़्यादा उड़ रहे हो। और भी बहुत सारी धमकियाँ दी हैं, माँ बहन की गाली दी और जो है इस तरीके से जो है फिर ये हादसा हुआ। हादसा होने के बाद फ़ौरन जो है मैंने पुलिस वालों को बुलाया और सारी जो है बातें बताई उनसे। फिर जो है फ़ोटोज़ वगैरह भी निकाले गए और वीडियो भी जो है पुलिस वालों को दिया गया। हमने जो है बयान दे दिया है और जो है कोशिश जारी है जल्द अज जल्द इनके खिलाफ़ FIR करवाने के लिए। वजह क्या रही? वजह इसकी जो है देखा जाए तो कुछ नहीं है। वजह क्या है सही वही जानते हैं, मैं नहीं जानता। मस्जिद के पीछे की बिल्डिंग है, उसको किस साजिश के तहत क्या बात है जो मैं नहीं जानता। कोई बेचना चाह रहा है उसको मैंने रोका। मस्जिद की प्रॉपर्टी है वक्फ की और जो है वो किस वजह से बेचना चाह रहे थे वो वही जानते हैं। वो ना मुझे बता रहे ना मैं जानता हूँ। मैंने रोका है इसलिए मैं निशाने पर आया। क्या कुछ दिनों से फ़ोन पे भी धमकी दे रहे थे? हाँ, फ़ोन पे जो है आज जो आज सुबह से लगातार कई बार फ़ोन पर धमकियाँ दिया और गालियाँ भी दिया, मारने की धमकी, जान से मारने की धमकी, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जो मुँह में आया सब कुछ उन्होंने कहा। और 2-3 दिन पहले भी फ़ोन आया था, मेरे आदमी जाएंगे तो बिल्डिंग दिखाना, ये करना वो करना फलाने का, ये इस तरह की बातें जो है मुझसे कर रहे थे वो। फखरुल हसन कासमी मेरा नाम है और मैं इस मस्जिद में 5 साल से इमामत कर रहा हूँ। ऐसे ही अपने शहर की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनसंदेश टाइम्स के साथ।